सो गाइस, तो मैं वापस आ चुका है एक न्यू वीडियो के साथ, वो भी अपने सर्वाइवल सीरीज वाले वर्ल्ड में। तो ये हमारा एपिसोड 2 होने वाला है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे अमेजिंग फार्म्स बिल्ड करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 इस सीरीज का नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। तो बस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स बिगिन। तो गैस, मैंने ऑफलाइन में भी इस वाले वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा खेला था, जिससे मैंने बहुत बड़ा सा एरिया क्लियर कर दिया, जिसका डॉट आप लोग देख सकते हो बहुत सारा मेरे पास कलेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ से देख लो, बहुत बड़ा सा एरिया क्लियर कर दिया मैंने। एंड बहुत सारा मैंने ऑफलाइन में माइनिंग किया था, मतलब केव एक्सप्लोर किया था, जिससे मेरे पास इतना सारा आइटम कलेक्ट हो चुका है। एंड मैंने डायमंड का पिकेक्स भी बना लिया है, जिससे मैं ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकता था। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, लिटरली मैंने इतना बड़ा एरिया क्लियर कर दिया, जहाँ पे मैं बहुत सारा फार्म अमेजिंग अमेजिंग बिल्ड कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत समय तक अपना एरिया क्लियर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले बनाने वाले हैं अपना मीट फार्म, मतलब हम लोग एनिमल्स को पालने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, तो चलते हैं अपने घर में। तो उसके लिए मुझे पहले काउ और शीप को एक्सट्रैक्ट करके लाना होगा, जिससे मैं उनका मीट खा सकूँ, मतलब उन लोग को पाल सकूँ। तो उसके लिए मैं वीट ले लेता हूँ यहाँ से, एंड थोड़ा बहुत इन्वेंट्री भी क्लियर कर देता हूँ इन सबको रख के। एंड मुझे थोड़ा बहुत वॉल भी बनाना होगा, जिससे मैं उन्हें कैप्चर कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं बहुत सारे वॉल, और उससे पहले मैं बनाता हूँ थोड़े बहुत कारपेट, जैसे मैं अंदर और बाहर जा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने लगभग इतना सारा बना लिया, 54 वॉल। तो अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो वैसे फाइनली बहुत देर के मशक्कत के बाद मैंने इन सब एनिमल्स को यहाँ पर ले आया है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी वॉल लगा देते हैं इन लोग के भागने से पहले। तो भाई अंदर जा, तू जल्दी जा, मुझे वॉल लगाने दे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी वॉल लगा देते हैं, और इससे कुछ ज़्यादा जल्दी यहाँ से भागने की कोई बात नहीं, हम लोग इसे वापस ले आएंगे। तो ये वॉल कंप्लीट हो चुका है, जल्दी जल्दी इन लोग को वीट से अट्रैक्ट करते हैं अपने पास। एंड ये काउ कहाँ जा रहा है, तो इसे अपने पास बुलाते हैं, एंड जल्दी जल्दी इन सबको कैप्चर कर लेते हैं। ये काउ तो आ चुका है, बट ये लोग यहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो भाई लाइन लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन आओ। तो एक तो आ चुका है, एंड ये दोनों पता नहीं कब आएंगे। तो मैं थोड़ा बहुत और मशक्कत करता हूँ। एंड फाइनली मैंने इन सब एनिमल्स को अंदर ले आया है, एंड यहाँ पर मैं कारपेट लगा देता हूँ, जिससे मैं अंदर और बाहर जा सकूँ। तो फाइनली हमारा एक फार्म कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, फाइनली दोबारा मशक्कत करने के बाद मैंने एक और काउ को भी यहाँ पर ले आया है, जिससे कि मैं इन लोग का ब्रीडिंग करा सकूँ। एंड फिर चलते हैं हम लोग अपना फार्म बनाने के लिए दूसरा वाला। तो अब हम लोग बनाने वाले अपना फूड फार्म। तो यहाँ पर मैं पोटैटो और वीट सीड ले लिया है कुछ, और मेरे वाटर बकेट और हो तो है ही। तो अब चलते हैं अपना फार्म बनाने के लिए। तो मैं इससे पहले थोड़ा बहुत वॉल भी बना लेता हूँ, मैं इसे भी कैप्चर कर दूँगा साइड से। तो हमारा वॉल भी बन चुका है, एंड चलते हैं हम लोग अपना फार्म बनाने के लिए। तो देखते पहले इसे कहाँ पर हम लोग बनाए। तो फाइनली हमारा ये वाला फार्म भी बनके रेडी हो चुका है, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। एंड ये हमारे सर्वाइवल सीरीज के लिए इनफ है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने घर में, एंड मैं बनाने वाला हूँ सबसे पहले अपने लिए फुल आयरन का सेट। तो मेरे पास चेस्ट प्लेट है, तो मैं चेस्ट प्लेट नहीं बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से हम लोग इन सारे आयरन के आर्मर को पहन लेते हैं। तो ये हो चुका है, एंड फाइनली गाइस हम लोग आयरन में कवर हो चुके हैं, एंड शायद अगले पार्ट में हम लोग डायमंड में भी कवर हो जाए। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपने लिए एक एन्चेंटमेंट का सेटअप भी बना ही लेता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऑक्सीजन भी हैं, कुछ डायमंड्स भी है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं ये सारे सामान। एंड हम लोग शायद शुगर केन पता नहीं कितना होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मुझे शुगर केन चाहिए, एंड गाइस यहाँ पे मेरे पास बस दो ही शुगर केन है। तो मुझे लगता है मुझे एक शुगर केन का फार्म भी बिल्ड करना होगा। एंड मेरे पास बहुत सारे बोन मिल भी है, मतलब सिर्फ 4 ही है। तो इससे हम लोग अपना शुगर केन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे इस अमेजिंग से फार्म को बिल्ड करने। तो गाइस, मेरे यहाँ पे शुगर केन का फार्म भी बिल्ड हो चुका है, बट मेरे पास कवर स्टोन और नहीं था, जिससे मैं यहाँ पे वॉल बना सकूँ एंड इसे पूरा कवर कर सकूँ। तो मेरे पास कुछ स्लैब थे डिक्लेट के, तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर लगा देते हैं। एंड मेरे पास कुछ बोन मिल जो थे, मैं इसे अपने शुगर केन को मल्टीप्लाई करके प्लांट कर देता हूँ वापस से। तो मैंने यहाँ पे कुछ शुगर केन लगा दिया, एंड इसे बोन मिल से दोबारा लगा करके दोबारा हार्वेस्ट करूँगा। तो ऐसे हम लोग लगभग पूरा का पूरा फार्म बिल्ड हो चुका है। तो थोड़ा बहुत और शुगर केन यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। एंड तो अब हम लोग बना लेते हैं एक बुक, जिसका हम लोग यूज़ करके एन्चेंटमेंट का टेबल बना पाए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑब्सिडियन ले लेता हूँ, टोटल 4, एंड 2 डायमंड का यूज़ करके ये हमारा बन जाएगा एन्चेंटमेंट का टेबल। तो जल्दी जल्दी हम लोग इस सारे सामान को लेकर के चलते अपने क्राफ्ट टेबल के पास, एंड जल्दी जल्दी इसे क्राफ्ट भी कर लेते। तो हमारा फाइनली पार्ट 2 में एन्चेंटमेंट का टेबल कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं, बट हमारे पास बुक सेल्फ नहीं है, लेदर नहीं है मेरे पास, जिससे मैं वो सारे बुक सेल्फ बना पाऊँ। तो वो हम लोग कर लेंगे अगले वाले पार्ट में। तो इस अगले वाले पार्ट में मैं बिल्ड करने वाला एक अमेजिंग सा कासल। तो आप लोग कमेंट में बताना मैं बिल्ड करूँ या ना करूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।